ఎవరా నువ్వు? బాసురా లుచ్చా. हेलो दोस्तों, आपने स्क्रीन पे वीडियो डेमो देखा होगा. वीडियो डेमो देखा होगा पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर ना चैनल पर सब्सक्राइब कर दे. एंड दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ आपको इस टाइप की गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो एडिटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल लाया हूँ. सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, आपको कैनमास्टर ऐप ओपन कर लेना है. दोस्तों, हमने कैनमास्टर ऐप ओपन कर लिया है. ओपन करने के बाद पहले प्लस पे कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद आपको 16:9 के प्रोजेक्ट को कर लेना सेलेक्ट. एंड शो कर देना नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपको कोशिश करना है, आपको पहले अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली दोस्तों मेरा वीडियो लेकर कर लेते हैं पहले सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों हमारा कुछ इस टाइप का वीडियो बैकग्राउंड होगा. सबसे पहले आपको कोशिश करना, आपको स्टार्ट पोजिशन पर आपको आ जाना है. वहाँ पर आने के बाद पहले जाना लेयर में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको गणपति जो पीनी दिख रही है उसमें कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद उसको पहले कर लेना है जूम. आपको इस तरह से आपको वहाँ पे एडजस्ट कर देना है. इस तरह से एडजस्ट करने के बाद ये पिंजरे को ले आना आपको एंड पोजीशन पे. वहाँ पे ले आने के बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट पोजीशन पे आपको आ जाना है. वहाँ पे आने के बाद पहले जाना लेन में, फिर जाना आपको मीडिया में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको जो सन वाली पिंजरी है इस पर कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद उसको थोड़ा जूम कर लेना है. एंड आपको कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे एडजस्ट कर देना है. कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले ये पिंजरे को ले जाना आपको एंड पोजीशन पे. वहाँ पे ले जाने के बाद सबसे पहले आपको थोड़ा आगे आ जाना है. वहाँ पे आने वाले की का पैस रख देना है. एंड आपको पहले इस तरह से आपको वहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ा आगे ले जाना है. इस तरह से आगे ले जाने के बाद सबसे पहले आपको कुछ करना है, आपको स्टार्ट पोजीशन पर आ जाना है. वहाँ पर आने के बाद जाना आपको लेन में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड सिंपली आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद जो आपको माइस बाबू पीएनजी इस पर कर देना क्लिक. ऐसे थोड़ा जूम कर लेना है. जूम करने के बाद सिंपली आपको इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है. इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको पीएनजी को ले जाना आपको एंड पोजीशन पे. वहाँ पे ले जाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है. जहाँ से आपने संगली पीएनजी पे आपने एनिमेशन दिया था सेम आपको वही पोजीशन पे आपको आ जाना है. एंड वापस आपको की का पैसा रख देना है. एंड आपको इमेज को इस तरह से आपको वहाँ पे सेंटर में ले जाना है. इस तरह से ले जाने के बाद सिंपली दोस्तों हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन आ जाएगा. एनिमेशन आ जाने के बाद सबसे पहले आपको जाना लेयर में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको ये पीएनजी को लेना है सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको ले जाना आपको एंड पोजिशन पर. वहाँ पर ले जाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पीएनजी को लेना आपको परफेक्टली एडजस्ट. इस तरह से एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा यहाँ पे परफेक्टली एडजस्ट कर देना है. एडजस्ट करने के बाद सिंपली पीएनजी पे कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ब्लेंडिंग वाले आइकन पे कर देना क्लिक. इसको कर देना स्क्रीन. स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ करना, आपको आना लेयर में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली जो आपको गणपति बप्पा मोरे टेक्स्ट पीएनजी है उस पर कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट कर देना है. एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको परफेक्ट यहाँ पर कोई हमको गलती ना हो जाए. एंड आपको क्वेश्चन करना है, आपको एडजस्ट वाले आइकन पर कर देना क्लिक. एंड आपको आ जाना है सेचुरेशन में, आपको थोड़ा सेचुरेशन जैसे उसको कर लेना आपको यहाँ पे 67. इसको कर लेने के बाद सिंपली आपको पिंजरे को लेना आपको एंड पोजीशन पे. वहाँ पे ले जाने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना, आपको जाना लेयर में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है. फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली सबसे पहले आपको जो पिंजरी दिख रही है इस पर कर देना क्लिक. क्लिक करने के बाद उसको ले जाना आपको एंड पोजीशन पे. वहाँ पर ले जाने के बाद सबसे पहले आपको पिंजरे को थोड़ा बहुत झूम कर लेना है. एंड आपको थोड़ा नीचे साइड यहाँ पे स्लाइड कर देना है. इस तरह से स्लाइड करने के बाद सिंपली आपको की का पे एनिमेशन दे देना है. एंड आपको आ जाना है यहाँ पे 5 सेकंड पे. वहाँ पे आना है सिंपली की का एनिमेशन दे देना, आपको इमेज को इस तरह से आपको वहाँ पे थोड़ी हमारे यहाँ पे गलती होगी, इसको एनिमेशन आपको हटा देना है पहले. एंड आपको थोड़ा वापस 5 सेकंड पे आपको आ जाना है.
एक एनिमेशन देख आपको वहाँ पे इमेज को इस तरह से आपको वहाँ पे स्लाइड कर देना है। स्टार्ट करने के बाद सिंपली वापस आपको आ जाना है 10 सेकंड पे, एक की का पे सकते आपको वहाँ पे इमेज को इस तरह से आपको वहाँ पे स्लाइड कर देना है। सेम प्रोसेस आपको वहाँ पे वाई 50 सेकंड पे आपको वापस आ जाना है। यानी की का पेस्ट देखा आपको वहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हैं। सेम आपको वापस आ जाना आपको एंड पोजीशन पे, एंड आपको इस तरह से आपको एनिमेशन यहाँ पे दे देना है। इस तरह एनिमेशन दे जाने के बाद सिंपली हमारा एनिमेशन से परफेक्टली एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट हो जाने के बाद सबसे पहले आपको कुछ करना, आपको जाना लेयर में, फिर जाना आपको मीडियम में, एंड आपको अपने फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली दोस्तों आपको एक लाइटनिंग वाली पीएनजी कर लेना है, वीडियो कर लेनी है सिलेक्ट। सेट करने के बाद इसको कर देना पहले फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लेंडिंग वाले आइकन पर कर देना क्लिक, इसको कर देना से स्किन। स्किन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ करना, आपको शेयर वाला आइकन दिख रहा है उस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली इसको कर लेना आपको वीडियो को एक्सपांड। दोस्तों वीडियो हमारी एक्सपांड होने में थोड़ा, दोस्तों वीडियो को एक्सपांड करके आपको होम पेज पे आ जाना है। वहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको वापस सोलर डेस्ट नाम के प्रोजेक्ट को कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको कर देना आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको अपने फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में आ जाने के बाद सिंपली दोस्तों मेरा बैकग्राउंड वीडियो कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जो भी हमने वीडियो एक्सपांड की थी उसको पहले कर लेना सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो आपको वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का एड दिख रहा है प्लस पर, इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ट्रोपेक्शन वाला ट्रांजेक्शन आपको डाउनलोड कर लेना है, इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसको 3 नंबर का इसको ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस आपको आ जाना है 50 सेकंड पर, आपको आ जाना है एंड आपको कर देना है यहाँ से कटआउट। कटआउट करने के बाद सिंपली वापस आपको प्लस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको चेक इफेक्ट 8 वाला आपको इस पर आ देना है एंड आपको पहले नंबर पे आपको लगा देना है एंड आपको उससे कलीन ड्यूरेशन आपको कर लेनी है 1 सेकंड। इसको करने के बाद सिंपली आपको आई को वापस 22 सेकंड पे आपको आ देना है, 23 पे आपको इस पर वीडियो पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको उसको कर देना है यहाँ पे कटआउट। कटआउट करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ आपको प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना आपको चेक 8 में, वहाँ पर आने के बाद आपको वहाँ पर 3rd नंबर का आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। ऐड करना है सिंपल, इसको ड्यूरेशन आपको रख लेना यहाँ पे 1 सेकंड एंड आपको ऐड पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड देखिए दोस्तों हमारी कुछ इस टाइप की गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो एडिटिंग हो चुकी है। दोस्तों आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल पर सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह डेली वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद।